लॉकडाउन के बीच बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त है। पुलिस ने 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार कर थाने में भेज दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों से बार बार अपील करने के बाद भी बेवजह जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनको पकड़कर थाने भेजा गया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे लोग घर से बाहर नहीं निकले। जितना भी हमारे जो वेंडर्स हैं उन सबके पास जारी किए गए हैं, और वेंडर्स किराना दुकान से, सब्जी मंडी से, वहाँ से सामान ले सकेंगे, घर 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 पहुँचाएंगे। हमारा प्राथमिकता ये है कि हम घर घर पहुँचाएँ, लोग एक जगह ना आए, लोग अपने घरों में रहें और प्रशासन घरों तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए कुछ समाज सेवी लोग भी आए हैं, हमने उनके ही पास जारी किए हैं। कई लोग हमें मिल चुके हैं जो अपनी गाड़ियों से मोहल्लों में, गाँवों में सामान पहुँचा के वापस फिर आ रहे हैं, और बिना किसी कॉस्ट के। बार बार जिलाधिकारी के कहने के बावजूद लोग सड़कों पर फालतू घूमते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मैनपुरी जनपद की, तो मैनपुरी जनपद में अब तक 26 से 27 लोगों को पकड़ के पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं इस बात की पुष्टि खुद जिलाधिकारी मैनपुरी महेंद्र बहादुर ने की है। मैनपुरी से A1 TV के लिए मैं शाकिब अनवर।